जालौर में भी पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि अभी पेट्रोल पंप पर जो लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंचे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, उससे इनकी जेब पर भार बढ़ा है। अब भाव बढ़ने के साथ ही डीजल के जो दाम हैं वो 94.87 हो गए हैं और पेट्रोल के जो दाम हैं वो 111.78 हो गए हैं। तो ये बढ़कर दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पिछले दिनों से नहीं बढ़े थे तो अब वो वापस बढ़े हैं। यहाँ लोग पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं, कितना जेब पर भार पड़ रहा है? बहुत सारा, अभी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पहले थोड़ा आराम था, अभी आराम थोड़ा ज़्यादा रेट बढ़ने से इनकम भी ज़्यादा नहीं। कितना भाव बढ़ने के साथ में कितना असर पड़ता है लोगों की जेब पर? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि पहले भाव 109 रुपये थे, अब 2 रुपये और बढ़ गए हैं और महंगाई भी ज़्यादा बढ़ रही है, और धंधा पानी जो है बिल्कुल मंदा है, और जो है अभी जेब पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, इनकम कम है और बाकी रेट ज़्यादा है। और भी लोग हैं, आप बाइक में पेट्रोल भरवाने पहुँचे हैं, भाव बढ़ने से कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ता है सर, ये कोरोना की वजह से एक तो आगे तो धंधे भी नहीं है और किसान भी परेशान है, और तेल के भाव बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान तो है ही सर। आपको जब बाइक में पेट्रोल भरवाते हैं तो पहले जिससे भरवाते थे अब भाव बढ़े हैं तो और भी मुश्किल होगी? मुश्किल ही है ना सर, पहले 70-80 रुपये लीटर आ रहा था, अभी 111 रुपये लीटर आ रहे हैं, मुश्किल तो है ही ना। भाव बढ़ गए हैं, भाव बढ़ने के साथ ही परेशानी भी बढ़ी है और लोगों की जेब पर भार भी पड़ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को कम करके लोगों को राहत देनी चाहिए सरकार को, ताकि लोगों की जेब पर जो भार पड़ रहा है वो कम हो। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालौर।